रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों का पहला पीरियड योग प्राणायाम और नैतिक शिक्षा पर होना चाहिए। वहीं स्कूली बच्चों को हर साल सिलेबस बदलने के कारण नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं, जिससे गरीब वर्ग के बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए उन्होंने 3 साल में एक बार सिलेबस बदलने के निर्देश दिए हैं। राजिम कुंभ पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ के माध्यम से देश भर में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, कुलेश्वर महादेव है, राम वन गमन पथ है, ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। ये स्कूल शिक्षा विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग में ये बच्चों के भविष्य को बनाने का विभाग है और इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि बच्चों का जो पहला पीरियड हो वो योग प्राणायाम नैतिक शिक्षा के ऊपर में हो। साथ में ये भी निर्देश दिया है कि हर साल किताबें बदलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई की, अपने दोस्त की आजू बाजू से किताबें लेकर पढ़ लेते थे, परंतु किताब छापने वालों को फायदा देने के लिए हर साल किताब को बदल दिया जाता है। इसलिए 3 साल से पहले किताबों को ना बदला जाए, इस बात के हमने निर्देश दिए।